हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली केवीएस के लिए या सीटेट के लिए। ये ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम कवर करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस और जो पैटर्न्स है पॉपुलेशन चेंज उसके ऊपर क्वेश्चंस, और पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ 20 ठीक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट रिसोर्स। हमारे पास कुछ रिसोर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जो है वो अल्टीमेट रिसोर्स है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन बी इज पावर रिसोर्स, ऑप्शन सी इज मिनरल रिसोर्स एंड ऑप्शन डी इज नेचुरल रिसोर्स। तो सही आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो उसको नेचर से जो भी मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है या जो भी चीजें मिल रही है उनको, उसको एज ए रिसोर्स कैसे यूज करना है वो ह्यूमन ही कर सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन इज कॉल्ड द अल्टीमेट रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज अ ज्योग्राफिकल सॉरी अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इज व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स, ऑप्शन सी इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरिया एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। अब पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है? जब हमें किसी देश की पॉपुलेशन को अगर हमें हम बोलें कि हमें कंपोजिशन करनी हो कि कितने जो है लोग किस एज ग्रुप में आते हैं, कितने एजुकेटेड हैं और किस तरह की ऑक्यूपेशन में वो एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम लेवल कितनी है, हेल्थ कंडीशंस कितनी है, तो ये सारी चीज़ें अगर स्टडी करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है एक कंट्री की उसको देखेंगे। किसके कैसे देखेंगे? पॉपुलेशन पिरामिड से, जिसको हम बोल सकते हैं एंड एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही होगी, ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। ऑप्शन बी है द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न इन ए स्पेसिफिक एरिया। ऑप्शन सी इज द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, क्योंकि हमें पता है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है। वो सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो टोपोग्राफी हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, सॉइल हो सकती है, वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है किसी जगह की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1999 में जो हमारा वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई थी? ऑप्शन है 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन और 9 बिलियन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 1999 में जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, क्या होती है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी? एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया, और हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको हम बोलेंगे एवरेज डेंसिटी। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो एवरेज डेंसिटी है, ऑप्शन से हमारे पास 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 300% पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 200% पर स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 20% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वहाँ पे सही है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट व्हेन वन पीपल मूव सॉरी यहाँ पे लीव्स आएगा, लीव्स वन कंट्री टू एंटर अनदर कंट्री देन दे आर कॉल्ड। ऑप्शन है एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, ऑप्शन सी इज रेजिडेंट्स और ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स क्या होता है। एमिग्रेंट्स होता है, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। जब कोई देश छोड़ता है तो उसको कहते हैं एमिग्रेंट, और जब कोई देश में एंटर करता है, एमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री, तो उसको एमिग्रेंट्स कहते हैं।
इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हेन वन पीपल लीव्स वन कंट्री टू एंटर अनदर कंट्री, जब एक कोई इंसान देश छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, एमिग्रेंट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लेस पॉपुलेटेड, तो ये बिल्कुल जो हम बोल सकते हैं फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लैंड एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए पॉपुलेशन भी ज्यादा है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वो अनइवन है वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज हायर इन रूरल एरिया, ये फॉल्स है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉजेस पॉपुलेशन चेंज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन है बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, ऑप्शन बी इज बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी इज पॉपुलेशन डेंसिटी माइग्रेशन एंड बर्थ रेट, एंड ऑप्शन डी इज बर्थ डेथ एंड मैरिज। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगी कि जो पॉपुलेशन चेंज है उस कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, वो है बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, इससे पहले हमने वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी जो है वो डिस्कस की थी, अब इंडिया की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज जो है वो केबीएस में आया था, जो 2018 का जो पेपर हुआ था चेंज सिलेबस के साथ, उसमें जो है सेम एज इट इज क्वेश्चन ये आया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 300 persons पर स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इट इज 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री देन इट इज कॉल्ड इमिग्रेशन, एमिग्रेंट्स, रेजिडेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो हमने डिस्कस किया था कि जब कोई देश छोड़ता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, और जब कोई देश में एंटर करता है दूसरी कंट्री में तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, तो इसको जो सही ऑप्शन है वो है इमिग्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री है जहाँ जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। तो जो सही आंसर है दैट विल बी चाइना, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉन्टिनेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो वर्ल्ड की 3/4 जनसंख्या है, 3/4 पॉपुलेशन, ठीक है, वो कितने जो है कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है, मतलब अगर हम बात करें 75% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है। ऑप्शन से एशिया एंड यूरोप, ऑप्शन बी इज एशिया एंड अफ्रीका, ऑप्शन सी इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की जो है 75% पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वट इज अ नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ किसे कहते हैं। ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ऑप्शन बी इज डिक्रीज ऑफ इन्फेंसी रेट, ऑप्शन सी इज इंक्रीज ऑफ डेथ रेट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इज वट इज बर्थ रेट, अब बर्थ रेट किसे कहते हैं। ऑप्शन है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, ऑप्शन बी इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 10,000 पीपल, ऑप्शन सी इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पीपल एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो बर्थ रेट की अगर हम बात करें इट विल बी नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन, इसी तरह से डेथ रेट होती है द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन है हमारे पास कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की कि स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा एरिया या डेंसली पॉपुलेटेड हो गया, ज्यादा जनसंख्या होगी एक जगह पे या कम होगी, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन है सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन बी इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑप्शन सी इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी हो सकता है, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर अवेलेबिलिटी, मिनरल्स अवेलेबिलिटी, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम HRD मिनिस्ट्री भी कहते हैं। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985 में, और क्या एम था इसका? एम था टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल, लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना। तो इससे हमें पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन वट क्राइटेरियन डू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफर। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियन है जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफर करता है? ऑप्शन है बेसिस ऑफ एज, ऑप्शन बी इज बेसिस ऑफ सेक्स, ऑप्शन सी इज बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी किस तरह से होगी। क्योंकि मान लीजिए कोई कंट्री है जो पुअर कंट्री है, वहाँ पे किसी को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसका जो है वहाँ के जो लोग हैं वो एज ए रिसोर्स जो है वो उनकी क्वालिटी किस तरह से होगी, किस तरह से वो डेवलप होंगे एज कम्पेयर टू कोई डेवलप कंट्री है जहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, वो जो है एज ए ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से डेवलप करेंगे। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वर्किंग एज ऑफ पीपल। तो ऑप्शन है हमारे पास 21 to 70, ऑप्शन बी इज 14 to 65, ऑप्शन सी इज 18 to 75, ऑप्शन डी इज 15 to 65। अगर हम वर्किंग एज की बात करें, वही आ गया हमारे पास पॉपुलेशन पिरामिड। तो जो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, ठीक है, जो अगर हम 15 से कम साल की बात करें उनको हम डिपेंडेंट में लेते हैं, और जो अबव 65 है उनको भी हम डिपेंडेंट्स में लेते हैं। तो इसका मतलब 15 to 65 जो एज ग्रुप है उसको जो है वर्किंग एज कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इमिग्रेशन, इमिग्रेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन से पीपल हु अराइव द कंट्री, ऑप्शन बी इज माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर कंट्रीज, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इमिग्रेशन कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट इज व्हेन वाज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन से 2014, 2015, 2012 और 2013। तो ये शुरू हुई थे 2015 में। क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई। इसका एम था कि 1 करोड़ जो है इंडियन यूथ, मतलब भारतीय युवाओं को ट्रेन किया जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्कीम का वो ये है कि एनकरेज करना है, टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू पॉवेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। ठीक है, तो ये इसका मेन जो है एम है कौशल विकास योजना का, 2015 में ये शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 20 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। हमने पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के हिसाब से या KVS के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो गाइज, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much. Stay healthy and stay safe.